स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक नेक्स्ट टाइप के न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल, जो जिसमें हम लोग का स्ट्रिंग क्या होगा, स्ट्रिंग से सस्पेंडेड कुछ चार्जेस होंगे और उनके बीच का इक्विलिब्रियम को हम लोग स्ट्रिंग रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या गिवन है, क्वेश्चंस को पढ़ने से ये आइडिया मिलता है कि दो चार्जेस हैं, दो बॉडी है जिस पर चार्ज Q1, आइडेंटिकल बॉडी है, तो Q1 और मास m है, Q1 और मास m है। ये पहले किस हालत में होगा, ऐसे डायरेक्ट तो आ नहीं गया होगा, पहले एक दूसरे के बहुत क्लोज होंगे, ठीक है, और दोनों पे जब चार्ज है तो क्या होगा, रिपल होगा, और रिपल होने के बाद ये जब डिस्टेंस r पर पहुंचता है तो ये क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम में आ जाता है, रुक जाता है। मतलब दोनों पे फोर्सेस लगने के बाद कुछ एंगल मूव किया, तो वो हमने एंगल दिखाया, एंगल इसका थीटा, टोटल एंगल दोनों और स्ट्रिंग के बीच का कितना हो गया, टू थीटा, और यहाँ पर आने के बाद बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाता है। तो इसमें बहुत तरीके का सवाल पूछा जाता है कि कितना चार्ज है दोनों पर, ये पूछ सकते हैं कितने डिस्टेंस पर हो गया, ये गिवन मतलब ये निकालना रहता है, और भी तरह के क्वेश्चन उसको हम लोग आज करेंगे। ठीक है, तो इसमें ये कंडीशन होने के बाद यहाँ इक्विलिब्रियम में आया, तो इक्विलिब्रियम में आने पर कितने फोर्सेस का इंक्लूजन होता है इक्विलिब्रियम में होने के लिए, वो देखते हैं। एक तो हो गया वेट ऑफ द बॉल, वो हम लोग को पहले से मालूम है कि वेट कितना होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये भी हम लोग को नोन है, क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। और ये एक फोर्स क्या है, टेंशन, जो किसमें होता है, स्ट्रिंग के अंदर। तो इसके लिए काम करते हैं, ये एक जनरल है कॉन्सेप्ट को बता रहे। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर कुछ इस तरीके का स्ट्रिंग के लिए, टेंशन के लिए काम करें, ठीक है, और ये आपका थीटा है यहाँ पर, ठीक है। एक फोर्सेस तो इलेक्ट्रिक फोर्स इसको रिपल करेगा, तो इधर होगा एफ ई। एक इसकी मास की वजह से जो होगा वो एम वन जी इधर हो गया, सॉरी एम जी, ठीक है। अब ये जो टेंशन फोर्स है ये टी, ये थीटा अगर है यहाँ पर तो ये भी थीटा होगा, तो ये एक फोर्स अप्लाई करेगा टी कॉस थीटा, जिसके साथ एंगल बनता है, और एक हो जाएगा टी साइन थीटा। इतना क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं, चलो ये यहाँ से दिखा दिया। जब हम लोग देखते हैं इक्विलिब्रियम में, तो इसका मतलब है कि एफ ई जो है वो किसके बराबर है, टी साइन थीटा के बराबर है, ये इक्वेशन वन दे दिया, और एम जी जो है वो किसके बराबर है, टी कॉस थीटा के बराबर। रुक गया, इसका मतलब नेट फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस, अलॉन्ग जेड एक्सिस शुड बी ज़ीरो, और होना भी चाहिए, तो उसके हिसाब से लिख दिया। अब दोनों को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, वन डिवाइडेड बाई टू, तो कितना आ जाता है, टैन थीटा इज इक्वल टू एफ ई बाई एम जी। ये एक जो रिलेशन है वो बहुत काम का, इसका डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। थीटा दिया रहेगा, एफ ई निकालने बोलेगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एक चीज़ और देखो अच्छे से, यहाँ पर ये तो हो गया स्ट्रिंग वाला। हाँ, अब अगर हम दोनों स्क्वायर कर, ये एक रिलेशन हुआ, अगर दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दे, तो वहाँ से हम लोग को टेंशन मिल जाएगा। देखो टी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एफ ई स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा वन हो गया, ठीक है। तो टी का इक्वेशन कितना आ जाएगा, एफ ई स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में अगर हम टैन थीटा निकालना चाहेंगे तो कितना होगा टैन थीटा का वैल्यू, टैन थीटा का वैल्यू होता है पी बाई बी, ठीक है। तो पी बाई बी, तो पी का काम कर आर बाई टू, ये जो बेस हो जाएगा वो कितना होगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई फोर हो जाएगा पाइथागोरस से, तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई फोर। कभी कभी क्या क्वेश्चन के अंदर रहता है उसको देखते हैं, अगर लिख लिया जाता है कि इफ़ थीटा इज़ वेरी स्मॉल, अगर ऐसा होता है तो टैन थीटा क्या बन जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा। क्लियर हुआ, तो टैन थीटा क्या बन गया, साइन थीटा। और उस हालत में हम लोग एक बात लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये हालत को पढ़ो, ये एकदम सिमिलर पहले के जैसा क्वेश्चन, मतलब पहला वाला जो हम बताएं वो एकदम बेस लाइक करता है, ठीक है। इसमें भी दिया हुआ है कि वो एल डिस्टेंस का, मतलब सॉरी एल लेंथ का एक स्ट्रिंग है, दो चार्जेज जो दोनों सिमिलर है, इस पर क्यू है, इस पर भी मान लो क्यू है, मासेस सेम है, आइडेंटिकल है, तो यहाँ पूछना चाह रहा है कि चार्ज क्या, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ चार्ज जब ये आर डिस्टेंस पर आके क्या होता है, इक्विलिब्रियम में आ जाता है। सेम अभी तुम लोग हम लोग तुरंत पढ़े, देखो टैन थीटा इज इक्वल टू पढ़े कितना, एफ ई बाई एम जी पढ़े। क्लियर हुआ,
टैन थीटा इज इक्वल टू एफ ई बाई एम जी कैसे आया था वो पता है, यहाँ पर टी है तो ये क्या कितना एंगल होगा थीटा, तो टी कॉस थीटा इधर हो गया था, टी साइन थीटा इधर हो गया था, दो इक्वेशन बना था डिवाइड किया तो ये आंसर आया था। ठीक है चलो, टैन थीटा लिख दिया, एफ ई का वैल्यू कितना हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर और यहाँ आ गया एम जी, तो हमें चाहिए क्या क्यू, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एम जी आर स्क्वायर टैन थीटा, सही है, डिवाइडेड बाई कितना हो गया के, और यहाँ क्यों निकालना तो ये पूरा क्या हो जाएगा अंडर रूट, कोई दिक्कत नहीं, ऑलरेडी के और ये टेन थीटा, ये आर जो है वो हम लोग खुद से ज्यूम किए हुए हैं, इसको अगर एल के टर्म में कन्वर्ट कर दिया तो और आसान है क्योंकि क्वेश्चन में एल दिया हुआ, तो अब अच्छे से देखो कि एल को कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, सेम प्रोसेस है, यहाँ थीटा है ये एल था तो ये कितना हो जाएगा एल कॉस थीटा और ये कितना हो जाएगा एल साइन थीटा, और ये जो एल साइन थीटा है वो किसके बराबर है आर बाई टू के बराबर है, तो हम लोग लिख सकते हैं एल साइन थीटा इज इक्वल टू आर बाई टू, तो आर इज इक्वल टू कितना हो सकता है टू एल साइन थीटा हो सकता है। अब देखो ये कन्वर्ट किस में हो गया टू एल के टर्म में, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, जब यहाँ लिखेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा एम जी यहाँ हो जाएगा टू एल मतलब फोर एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टैन थीटा डिवाइडेड बाई के का अंडर रूट, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने के लिए कुछ बेसिक का होना ज़रूरी है, वो हम लोग क्वेश्चन से पहले बेसिक को समझते हैं। जैसे एक तो आपको जानना होगा लैमिस थ्योरम, ये हम लोग जानते भी है पहले से, थोड़ा एक बार ध्यान से, लैमिस थ्योरम में क्या देखा जाता है कि तीनों फोर्सेस जो है वो एक ही पॉइंट पे लगना चाहिए और लगने के बाद बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में हो जाए, तो ठीक है, तो कब लगाना समझ में आया, थ्री फोर्सेस होंगे ठीक है, और कहाँ पर लग रहा होगा वन पॉइंट पर लग रहा होगा, वन पॉइंट लगने के बाद जो बॉडी है वो किस में होना चाहिए इक्विलिब्रियम में, तब हम लोग लगा सकते हैं लैमिस थ्योरम को। लैमिस थ्योरम क्या बोलता है कि जो फोर्स है उसके सामने वाला का साइन का एंगल का रेशियो बराबर होगा, देखो साइन अल्फा एफ टू, इसके सामने एंगल साइन बीटा इज इक्वल टू एफ थ्री, सामने वाला एंगल साइन गामा, इसलिए बता रहे कि अभी थोड़ा सा ध्यान दो अच्छे से कि अगर मान लो यहाँ पे टेंशन था, यहाँ एम जी है और यहाँ एफ ई है, यहाँ भी तीनों फोर्सेस लग रहा था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, और इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में आ रहा था, ये थीटा था ठीक है ना, तब हम लोग को देखना है, तो यहाँ अगर लैमिस थ्योरम लगाना हुआ तो कैसे लगाएंगे, देखो पहले एंगल को कंसिडर करो, ये अगर इन दोनों के बीच का एंगल देखे तो कितना हो जाएगा 90 प्लस थीटा हो जाएगा, सही है, ये दोनों के बीच का एंगल तो 90 ही रहा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा देखो थीटा, और ये एंगल चाहिए ना, तो टोटल थीटा ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा, हो गया 180, तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा, क्लियर हुआ। अब हमें अगर निकालना होगा लैमिस थ्योरम निकाल लगाना है तो आराम से लगा सकते हैं, टी सामने वाला एंगल टी बाई साइन 90 इज इक्वल टू एम जी, एम जी डिवाइडेड बाई ये सामने वाला एंगल कितना हुआ 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा हो गया ठीक है, और आपका बच गया एफ ई, तो एफ ई जो है वो इसके सामने वाला एंगल जो होगा वो कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा, क्लियर, ऐसे ही लगता है लैमिस थ्योरम इसका यूज़ होने का, हो इसका यूज़ होगा ठीक है, तो बेसिक वाला है वो हम लोग पहले जान चुके हैं कि फोर्स विल बी अफेक्टेड फ्रॉम मीडियम, मतलब फोर्स डिपेंड करता है मीडियम पे, अगर हम लोग किसी चार्जेस को एक ऐसे मीडियम में ला कर रखें जिसका डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के होगा तो न्यू फोर्स जो डेवलप होगा वो क्या होता है डिक्रीज हो जाता है, पढ़ चुके थे एफ नॉट बाई के में, एक ये है। अब देखो नेक्स्ट जो हम लोग नाइन क्लास में जानते हैं अब थ्रस्ट फोर्स के बारे में, हम लोग ये जानते थे कि अगर कोई एक बॉडी है उसको अगर किसी लिक्विड में ला कर रख देते हैं तो इस पर जो फोर्स अप्लाइड होता है वो देखते हैं, पहले जब बाहर था तो कोई दिक्कत नहीं एम जी लग रहा था, ये इसका वेट था रियल वेट, अब जब लाते हैं इसके अंदर तो वेट तो एम जी एक्ट कर रहा है लेकिन एक और फोर्स एक्ट करने लगा, कौन सा अप थ्रस्ट फोर्स, ठीक है, ये अप थ्रस्ट फोर्स क्यों होता है ड्यू टू लिक्विड हुआ यहाँ पर,
है ना, यहाँ पे लिक्विड है, वाटर है, तो इसकी वजह से। तो अब थ्रस्ट फोर्स लगा, फोर्स अब लिख देते, समझ में आया। तो फोर्स, अब थ्रस्ट फोर्स जो लग रहा है, तो अब जो वेट होगा वो तो एम जी नहीं रहेगा, इसका भी इफेक्ट आ गया। तो कोई पूछता है कि कितना होगा, मतलब नेट फोर्स अगर हम बोले तो कितना होगा, या नेट वेट बोले तो कितना होगा वो देखो। तो नेट वेट डब्लू डैश क्या होगा, डब्लू माइनस एफ अप, अब थ्रस्ट फोर्स के लिए यूज़ किया, ये हो जाएगा, कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है, एकदम आसान भाषा में। अगर हम लोग आराम से फैक्टर भी पढ़ चुके, कोई टेंशन नहीं। बॉल को लाए, एमजी नीचे एक फोर्स एक्ट कर रहा था, एक अप थ्रस्ट फोर्स आया ड्यू टू लिक्विड आया, ठीक है, ये ड्यू टू फ्लूड भी हो सकता है, फ्लूड गैसेस की वजह से हो सकता है। एक बैलून है जिसको हम लोग एयर में छोड़ दिया, तो ऊपर से एक अप थ्रस्ट फोर्स एक्ट करेगा किधर, डाउनवर्ड ड्यू टू एयर, ठीक है, इतना बात समझ में आया। तो इसको जब हम लोग ला कर रखे तो एमजी लगा, यहाँ पर नेट फोर्स का वैल्यू निकाल दिए, क्लियर। अब देखो एक पॉइंट, अब यहाँ पर एक और चीज़, मास को हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं डेंसिटी में। तो इससे पहले डेंसिटी देखते हैं। तो डेंसिटी दो तरीके का होगा, एक मटेरियल का डेंसिटी होगा, तो इसका जो डेंसिटी है मटेरियल बॉडी का, उसके लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं रो। ये किसके लिए है, मटेरियल के लिए, मतलब जो बॉडी है उसका डेंसिटी, इसका कुछ अपना होगा। और एक लिक्विड का होगा, उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे किसका, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। आर्किमिडीज प्रिंसिपल हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई भी बॉडी अपने वॉल्यूम के हिसाब से क्या करता है, कोई बॉडी वाटर को जो डिस्प्लेस्ड करता है वो जितना डिस्प्लेस्ड हुआ उसके वॉल्यूम के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो एक चीज़, हाँ, मास इज इक्वल टू, अब कन्वर्ट करो, मास इज इक्वल टू, हाँ, अब हम लोग देखते हैं मास को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, इन डेंसिटी में। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। अगर हम यहाँ पर मास इज इक्वल टू लिख ले, तो डेंसिटी सपोज हम मटेरियल का देख रहे हैं या लिक्विड का देख रहे हैं, तो डेंसिटी सपोज यहाँ पर आपका सिग्मा है मास बाय वॉल्यूम हुआ, तो एम इज इक्वल टू कितना लिख सकता है, वी इंटू सिग्मा। अगर हम उसको वेट बनाना है तो जी से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, तो वी सिग्मा जी, कोई दिक्कत नहीं। ये जो था वो किसका था, लिक्विड का। अगर हम लोग देखते हैं मटेरियल के टर्म में, तो वहाँ पर भी मटेरियल के टर्म में क्या होगा, रो इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। अब यहाँ जब करेंगे इसको कन्वर्ट एम जी, तो वी रो जी, और ये जो वॉल्यूम है, वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ यहाँ पर बॉडी है, बॉडी कैसा है, स्फेयर है, तो क्या लिख सकते हैं, 4/3 πr³, ठीक है। ये सब यूज़ होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। कैसे कन्वर्ट कर दिए, क्लियर हुआ। यहाँ पर एक सवाल उठता है कि दोनों जगह सर वी आप जो ले रहे हैं वॉल्यूम ऑफ बॉडी ले रहे हैं, ऐसा क्यों ले रहे हैं, ड्यू टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल यही बता रहा था कि जितना बॉडी का वॉल्यूम होगा उतना ही वाटर डिस्प्लेस्ड होगा, इसीलिए दोनों का वॉल्यूम हम लोग क्या रखें, सेम रखें, ठीक है, चाहे लिक्विड वाले में हो चाहे मटेरियल वाले। चलिए, इसमें बहुत सारी बातों को लिखा गया है, उसको हम तोड़ तोड़ के समझाते हैं कि दो बॉल जो है दोनों का डेंसिटी दिया हुआ है रो, दोनों आइडेंटिकल है, दोनों का मास एम है और क्यू है, ठीक है। पहला पार्ट पढ़ोगे तो ये लगेगा, इक्विलिब्रियम में जो स्ट्रिंग है वो कितना एंगल बनाता है, इक्विलिब्रियम में जो स्ट्रिंग है वो एंगल बनाता है थीटा, किसके साथ बना रहा है, थीटा वर्टिकल के साथ, सेम डायग्राम रहता है, ठीक है। नाउ बोथ इमर्ज इन इक्विलिब्रियम, यहाँ से सवाल उठता है। अब यहाँ मान लो टेंशन लग रहा है, ये एफ ई है, ये तो पुराना वाला है एम जी, ये क्लियर हो गया। अब सवाल उठता है कि जब इसको हम लोग लिक्विड में इमर्ज कर देते हैं, देखो अब हम लोग क्या किए, दोनों बॉल को लिक्विड में इमर्ज कर दिए, मान लो एक बॉल को दिखा रहे हैं, यहाँ समझ में आ जाएगा। इमर्ज करने के बाद थीटा पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, थीटा थीटा ही रहता है, और उस वक्त लिखा हुआ था डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना दिया हुआ, सिग्मा, इसका मटेरियल का डेंसिटी कितना दिया हुआ था, रो। बोलो फाइंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो जिस लिक्विड में रखा होगा उसका कुछ ना कुछ तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, तो के निकालने बोल रहा। बेसिक पढ़ने से इतना आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन, देखो ध्यान से। तो हम लोग को मालूम था कि एफ ई डैश जो नया वाला फोर्स होगा वो एफ ई जो पहले वाले का है उसका डिक्रीज हो जाएगा, तो के का वैल्यू एफ ई बाई कितना हो जाएगा, एफ ई डैश। ये इक्वेशन को याद रखो, मतलब एफ ई और एफ ई डैश निकल गया तो आंसर आ जाएगा।
अब यहाँ पर T3 फोर्सेस लग रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब देखो ध्यान से, लैमिस थ्योरम लगा सकते हैं आराम से। चलो ये तो हम लोग को समझ में आएगा, इसको हटाते हैं, थीटा चेंज नहीं हो रहा, ये सब क्लियर हो गया बात को। अब हम लोग लैमिस थ्योरम लगाते हैं, अगर ये पता चल जाएगा रेशियो तो काम हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू लैमिस थ्योरम हम लोग लिख सकते हैं, एंगल को थोड़ा देख देख के, देखो ध्यान से उसको अलग निकाल के दिखाते हैं। ये UG था, ये FE था, पहले भी जान चुके, ये थीटा है, ठीक है। तो ये था टेंशन, तो ये कितना हो गया, टी कॉस थीटा हो गया, और ये टी साइन थीटा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हमको तोड़ने का ज़रूरत भी नहीं है। हाँ चलो, अब इसको हम थोड़ा अलग करके दिखाते हैं। थ्री फोर्सेस होना चाहिए लैमिस थ्योरम को देखने के लिए। ये W हो गया MG, ये FE हो गया, और ये टेंशन हो गया, ठीक है। एंगल थोड़ा देख लेते, ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो लैमिस थ्योरम के हिसाब से जस्ट हम लोग अभी पढ़े, क्या पढ़े कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ये 90 डिग्री हो गया, ये एंगल आपका 90 प्लस थीटा हो जाएगा, और ये एंगल 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो होना क्या चाहिए था, FE बाई साइन 180 माइनस थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। पूरा लिख देते हैं एक बार, FE हो गया, उसी तरह से T बाई क्या हो जाएगा, साइन 90 हो जाएगा सामने वाला एंगल, और एक हो जाएगा MGY और साइन 90 प्लस थीटा अकॉर्डिंग टू द लैमिस। अब हमको जो ज़रूरत है उसके हिसाब से काम करते हैं, ये दोनों इक्वेशन को लेते हैं, ठीक है। देखो FE बाय साइन 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा कोई चेंज नहीं होगा, और MGY कितना हो जाएगा, ये कॉस थीटा। इस MG को हम लोग W लिखेंगे अभी, सही है, इतना लिखा जा सकता है, ठीक है। यही सिचुएशन को अगर हम लगाएं, ये कब का था, जब एयर में था तब, ये कब लगाएं, व्हेन, क्या कब था, एयर में। अगर यही जब लिक्विड में हो जाएगा तो क्या होगा, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, FE के जगह पे एक नया फोर्स डेवलप हो जाएगा, तो FE डैश, एंगल तो वैसे ही रहेगा साइन थीटा, और यहाँ W के जगह पे W डैश नया वेट हो जाएगा, अभी बताया अब थ्रस्ट फोर्स एक्ट करने लगता है, तो ये कितना हो गया, कॉस थीटा, कोई इशू नहीं, इतना तक बात समझ में आया। अब आगे बात करते हैं, देखो ध्यान से, दोनों को डिवाइड करो, ये इक्वेशन वन है, ये इक्वेशन, ये टू है, इक्वेशन थ्री है, ये दोनों को डिवाइड करो, जब दोनों को डिवाइड करोगे तो एक मिल जाएगा FE बाई FE डैश, सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड करें थर्ड से, FE बाई FE डैश साइन थीटा कैंसिल, और W बाई W डैश, इतना मिला। अब ये FE बाई FE डैश को कितना लिखा जा सकता है, K, और ये W बाई क्या है, W डैश, ये W बाई W डैश आ गया, इसी को ये जो लिखे हैं MG, ये मास किसका है, बॉडी का मास है, कब, जब एयर में था तब। अब यहाँ पर ये हो जाता फॉर्मूला MG माइनस अप थ्रस्ट फोर्स, तो ये जो अप थ्रस्ट फोर्स है उसको देखते हैं, पहले MG लिख लो आराम से, ये अप थ्रस्ट फोर्स है वो लिक्विड वाला है, तो लिक्विड वाले के लिए मास लिख दिया M डैश, और कितना हो गया G, ठीक है। तो मास यहाँ पर प्रोवाइड नहीं, यहाँ पर हम लोग को क्या मालूम है, डेंसिटी मालूम है, तो इसको अगर डेंसिटी में कन्वर्ट करना हुआ किसको, मास को, तो अभी हम लोग कर चुके हैं, देखो डेंसिटी ये थे हम लोग क्या, बॉडी का जब एयर में था, ये जो मास है M डैश ले रहे हैं वो किसके लिए, हम लोग लिक्विड के लिए, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, मास को डेंसिटी बराबर मास बाई वॉल्यूम, तो ये था मटेरियल का, तो रो ले लिया, इंटू कितना हो गया, वॉल्यूम हो गया, इंटू जी हो गया, क्लियर, इसको कन्वर्ट करना सीख चुके हैं, यहाँ भी हो जाएगा रो वी जी, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये है लिक्विड का, तो यहाँ सिग्मा वॉल्यूम इंटू जी, क्लियर हो गया। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो रो यहाँ पे से जी सभी में से कैंसिल हो जाएगा, और वी भी कैंसिल हो जाएगा, कॉमन निकला, तो बच गया कितना, रो डिवाइडेड बाय रो माइनस सिग्मा, तो यहाँ पर के का वैल्यू आपका आ गया रो डिवाइडेड रो माइनस, रो आपका किसके लिए है, बॉडी के लिए है, और ये किसके लिए है, लिक्विड के लिए। इसका ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट यूज़ करना होगा हम लोग को, ठीक है। तो ये फार्मूला भी आपको याद रखना है, इन पर आपको दिख रहा है, ये स्ट्रिंग रिलेटेड का एक क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, इसको आप अच्छे से जाकर बनाओगे।